बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, आई एम हमना इजाज़ एंड आई विल रिप्रेजेंट द टॉपिक डेट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ हेयर अबाउट व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड हीट एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन में जो एनर्जी जो आपकी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ एक्चुअली द रिएक्शन में रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी एंड अ फेज चेंज में डू द सेम सच एज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। आपका कोई भी प्रोसेस चाहे वो मेल्टिंग का हो चाहे वो बॉइलिंग का हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, डेट इज़ अकॉर्डिंग टू द थर्मोकेमिस्ट्री एंड इट इज़ कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड केमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी बिकॉज इट हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन विल अकर एंड इफ इट विल रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी एज इट अकर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडिड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द एंड इट टेल्स अस दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दस द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज अ कॉन्स्टेंट। हाउएवर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू द इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो है वो है एनर्जी फ्लो इन अ डीजल इंजन। When an engine burns fuel, it converts the energy stored in the fuel's chemical bonds into useful mechanical work and into heat. And other examples are melting ice cubes, sweating, taking a bath, flipping a light switch. These are the examples of thermodynamics. And the if I talk about the equation of first law of thermodynamics, that is del U is equal to Q minus V. Del U is actually the internal energy, Q that is heat added to the system minus W is the work done by the system. And the next one is thermodynamics. What is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of physical science that deals with the relations between heat and other forms of energy such as mechanical, electrical or chemical energy and by extension of the relationship between all forms of energy. And in the example of thermodynamics we can see that आपकी जो गाड़ी है, आपकी बाइक्स, आपके जो है दिन भर के जो आप काम कर रहे हैं वो सारे जो हैं इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थर्मोडायनामिक्स। एक गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी का जो इंजन है जब फ्यूल बर्न करता है तो उसकी जो शार्क है वो एक्सपेंड करती है और शार्क के एक्सपेंड करने से क्रैंक शाफ्ट जो है वो मूव करता है और इस शाफ्ट के मूव करने से जो आपकी गाड़ी मूव करती है, गाड़ी चलती है। तो ये इट्स ऑल अबाउट ऑन थर्मोडायनामिक्स। And the next one is bond energy and enthalpy. Bond energy, the amount of energy required to break apart a mole of molecules into its component atoms. Bond energy वो energy है जो आपके एक mole के आपके molecules के एक mole को break करने के लिए उसके component atoms से break करने के लिए जो आपको energy चाहिए होती है वो आपकी bond energy है। And the next one is enthalpy, a thermodynamic quantity equivalent to the total heat content of a system. इन केमिस्ट्री बॉन्ड एनर्जी आल्सो कॉल्ड द मीन बॉन्ड एंथैल्पी और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज़ अ मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन अ केमिकल बॉन्ड। IUPAC डिफाइंस बॉन्ड एनर्जी एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द गैस फेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द लार्जर द एवरेज बॉन्ड एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल द मोर स्टेबल एंड लोअर एनर्जी द मॉलिक्यूल। एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ऑल्सो रेफर टू एज बॉन्ड डिस्ट्रप्शन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग एनर्जी। एंड द नेक्स्ट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी इज एक्चुअली द कंसेप्ट यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग व्हेन हीट एंड वर्क नीडेड टू बी कैलकुलेटेड। व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी टेल्स हाउ मच हीट एंड वर्क वाज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस। एंथैल्पी इज सिमिलर टू एनर्जी बट नॉट द सेम। एंथैल्पी जो है वो एनर्जी की तरह तो है पर लेकिन उसकी बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल भी नहीं। एंड द नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन।
In a chemical reaction, the amount of heat that must be added or removed in order to keep all of the substances present at the same temperature. आप जो केमिकल रिएक्शन कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो भी हीट या तो इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन कि जो आपके केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या है उसमें प्रोसेस हो रहा है, जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आइदर इट विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. एंड द नेक्स्ट वन इज़, तो हम इस बेस के ऊपर जो है दो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं रिएक्शन जो है हीट ऑफ रिएक्शन जो हमारे मिलते हैं उसमें या तो हीट रिलीज़ होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी. हीट रिलीज़ हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आपका. एंड द नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन डेट रिलीज एनर्जी थ्रू लाइट और हीट. किसी भी सिस्टम में अगर किसी भी आप केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो इसके दरमियान में जो एनर्जी का जो भी लेवल या जो भी इसका प्रोसेस ऑफ फिनोमेना है उसको हम अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. और याद रखिएगा कि एक्सो मीन रिलीज़ और थर्मिक मीन हीट. इस पूरे ओवरऑल थर्मोकेमिस्ट्री के प्रोसेस में या तो हीट रिवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये आपके केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपके केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है डैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आप किसी भी मिथेन गैस को बर्न करवा रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मीथेन गैस में जो कार्बन मौजूद है, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होकर हीट को रिलीज़ करवा रही है, एंड दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एंड द नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, अ केमिकल रिएक्शन डैट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. इस आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एंडो मीन्स एब्जॉर्ब एंड थर्मिक मीन हीट. अगर आप इसके एग्जांपल देखें, वाटर को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कराने का जो प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है. अगर आप एक आइस को मेल्ट करा रहे हैं तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आपकी आइस पिघल के वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ है, अगर हम आप इस ग्राफ को देखें तो फर्स्ट में है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जो कि रिएक्शन में और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में है जो है वो एक ग्राफ बन रहा है. इसमें रिएक्टेंट्स अपर लेवल पे हैं और प्रोडक्ट्स लोअर साइड पे, लोअर पे हैं, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी रिएक्टेंट्स की क्वान्टिटी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा है. एंड रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है वो एक एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है. एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. और याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी का जो है ये एक बैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिसमें या तो आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, या तो वो हाई लेवल पर कन्वर्ट होंगे या लोअर लेवल पर होंगे भी या नहीं होंगे, ये एक एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जो है वो यहाँ पर मौजूद है. और जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा हों और प्रोडक्ट्स कम हों तो इस दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है. और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में जो एक लेवल है हाई, जो पीक बन रही है, इसके टॉप लेवल को हम जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. और ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर हाफ बॉन्ड बनता है और हाफ बॉन्ड ब्रेक होता है. ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है आपकी प्रोडक्ट्स की जो स्टेट है वो आपकी इंटरमीडिएट की स्टेट है, जहाँ पे आपका एक मुकम्मल एक कंप्लीट प्रोडक्ट आपको जो है वो हासिल हो जाता है. एंड द नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट्स प्रेजेंट एट द लोअर लेवल एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट द टॉप लेवल. एंड सेम वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर लगा है, उसने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट तो किया लेकिन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई. एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज़ हुई थी, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर भी था, इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. इट शोज डैट एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कराने के लिए उसके लेवल तक पहुँचने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी,
उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। एक्सो में उसको कम एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी उसने रिलीज़ कर दी बाकी, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी उस लेवल को प्रोडक्ट्स तक कन्वर्ट होने में। और वो टॉप लेवल जो है उसकी ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट्स की इंटरमीडिएट स्टेट। एंड दिस इज़ द ग्राफ डेट इज रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन, हीट ऑफ कम्बस्शन, इंथोल्पी और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को आप इंथोल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन को आप इंथोल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ कम्बस्शन को आप इंथोल्पी ऑफ डिकम्बस्शन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इंथोल्पी इज सिमिलर टू एनर्जी, इज सिमिलर टू हीट बट नॉट द सेम। इंथोल्पी एनर्जी की तरह तो है मगर बिल्कुल भी, मतलब इंथोल्पी को आप एनर्जी की तरह तो कह सकते हैं लेकिन आप इंथोल्पी को एनर्जी या हीट नहीं बोल सकते। एंड द फर्स्ट वन इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टेट्स दैट द क्वालिटी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। याद रखिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन वो है जिसमें आप एक मोल, एक सब्सटेंस के एक मोल को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कराते हैं। इट इज़ द इंथोल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही उसको एक वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस का बनना जो है वो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन है। याद रखिएगा, आपका जो भी सब्सटेंस है, जो भी रिएक्टेंट है, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन अप्लाई होगी। एंड अगर अब इसकी बात की जाए, इसके एग्जांपल की देखा जाए, तो जब हाइड्रोजन के दो मोल ऑक्सीजन के साथ, अगर हम 2H को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं और वाटर बना दें, तो आपके ख्याल में क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपने गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर बनाता है। हाइड्रोजन के दो मोल गैशियस फॉर्म में और ऑक्सीजन का जो एक मोल है वो गैशियस फॉर्म में होगा तो वाटर बनेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और ये हीट ऑफ फॉर्मेशन पे अप्लाई हो रहा है। अगर हम मीथेन गैस के फॉर्मेशन की बात करें, तो क्या CH4 जो मीथेन गैस है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में होगा तब रिएक्ट करेगा और तो वो मीथेन बना देगा और हीट ऑफ फॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होगा, तो मीथेन गैस जो है वो गैशियस फॉर्म में आपको हासिल होगी। सिमिलर, बिल्कुल इसी तरह अगर हम ग्लूकोज के फॉर्मेशन की बात करें, C6H12O6, वो किस फॉर्म में होगा तो हम आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो अप्लाई हो गई। कार्बन के 6 मोल सॉलिड फॉर्म में होंगे और हाइड्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में होगा, तो ग्लूकोज आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इस सब में जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपको अपने आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तब तक आपके हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथोल्पी ऑफ फॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट इज हीट ऑफ डिकम्पोजिशन। हीट ऑफ डिकम्पोजिशन स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। याद रखिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन में देखा था कि वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस अपने ही कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिकम्पोज होगा, तो वो हीट ऑफ डिकम्पोजिशन होगी। इस हीट ऑफ डिकम्पोजिशन मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस भी इसको बोल सकते हैं, इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय हीट। आपकी जो हीट ऑफ डिकम्पोजिशन या ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, वो हीट की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से होगी। आपका एनर्जी का क्या लेवल है, आपकी हीट का क्या लेवल है, आपकी एनर्जी ज़्यादा है, आपकी एनर्जी कम है, आपका जो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो डिकम्पोज हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो आपका सब एनर्जी की ऊपर डिपेंड कर रहा है। द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस केमिकली डिकम्पोजिस। याद रखिएगा, आपने इसमें टेम्परेचर को भी देखना है। टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी कम है, उसका आपके सब्सटेंस के ऊपर क्या रिएक्ट हो रहा है। द रिएक्शन इज़ यूजुअली एंडोथर्मिक एज हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स इन द कंपाउंड अंडर गोइंग डिकम्पोजिशन। अगर आपका कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वो आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस को
रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कराने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर है। एनर्जी रिक्वायर है, इट्स मीन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो कि आपकी डिकम्पोजिशन या हीट ऑफ डिकम्पोजिशन को शो कर रहा है। एंड द नेक्स्ट इज हीट ऑफ कम्बशन। हीट ऑफ कम्बशन स्टेट्स डैट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्नड कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन एट अ गिवन टेम्परेचर एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। हीट ऑफ डिकम्पोजिशन में देखा था कि आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी कम है, जो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हीट ऑफ कम्बशन में जब आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मॉलिक्यूल को बर्न करवा रहे हैं, तो उसमें आपको वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर है। अगर हम इसके एग्जांपल देखे जाए, जब आप मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करते हैं, तो मीथेन गैस का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट होकर आपकी जो है वो हीट को इवॉल्व करवा रहा है। तो इट्स मीन इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो कि शो कर रहा है कि आपकी हीट ऑफ कम्बशन जो है इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड द नेक्स्ट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। द चेंज ऑफ हीट और एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। आपने देखा कि जो आपकी हीट है, आपकी एंथैल्पी है, एनर्जी है, जब आप एक मोल वाटर का जब एक मोल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो आप एसिड भी है या बेसिक है, आपको नहीं पता कि आप जिस मीडियम में आप अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, वो आपके केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये इट्स ऑल अबाउट हीट ऑफ फॉर्मेशन या टाइप्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, या हीट ऑफ जो आपकी केमिकल रिएक्शंस की जो हीट है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कम्बशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स ऑल अबाउट। अब अगर हम आप इसकी समरी के ऊपर जाएं, तो अगर हम इसको एक ही पैराग्राफ में इसको को समराइज करें, तो देखें कि थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो आपका इस पूरी केमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कि आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी आपकी केमिकल रिएक्शन में जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस के अलावा आपकी फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशंस या आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग का प्रोसेस है, वो सारा जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व है। और थर्मोकेमिस्ट्री है वो एक थर्मोडायनामिक की टाइप है, और थर्मोडायनामिक जो है वो फिज़िकल साइंस है, जो कि आपकी हीट और अदर जो फॉर्म्स आपकी एनर्जी के हैं, आइदर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, उसके रिलेशंस के ऊपर जो है वो बेस कर रही है। आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स कर में कन्वर्ट होने के लिए उनको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ रही है, लेकिन जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज़ हो गई, एंडो में एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई। तो ये जो सारा प्रोसेस है आपके जो है थर्मोडाइनमिक है, थर्मोकेमिस्ट्री है, ये इट्स ऑल अबाउट जो है वो आपकी एनर्जी, आपकी एंथैल्पी, आपकी हीट चेंजेस, आपकी केमिकल रिएक्शंस, फिज़िकल रिएक्शंस के ऊपर जो है वो बेस हो रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सो थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड।